आप देखना शुरू कर चुके हैं रायबरेली एक्सप्रेस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। रायबरेली में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे सभी पक्ष के लोगों को लोगों की सराहना मिल रही है व उनको सुरक्षा प्रदान की गई। वहीं बात की जाए पत्रकार यानी जो कोरोना वॉरियर्स की भी भूमिका निभा रहे हैं, आखिर उनको सुविधाएं ना मिल पाना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया। उसको लेकर रायबरेली के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापित करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा, जिसमें मांग रही कि पत्रकारों का बीमा होना चाहिए इस कोरोना के युद्ध में और उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहा वरिष्ठ पत्रकारों ने। आज क्या किया गया? आज हमारे जनपद के रायबरेली जनपद के सारे पत्रकारों ने जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पत्रकारों की तमाम समस्याएं हैं इस समय मौजूदा स्थिति में COVID-19 से। सारे जैसे कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं, सिपाही लड़ रहे हैं, डॉक्टर लड़ रहे हैं, सारे लोग, वैसे पत्रकारों की भी भूमिका अहम हो गई है इस समय। तो इन परिस्थितियों में हम लोगों के जहाँ दायित्व हैं और कर्तव्य हैं, वैसे हम लोगों के थोड़े से अधिकार भी हैं। उन अधिकारों के लिए हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी जी को द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उनको ज्ञापन देने का काम किया, सारे पत्रकार साथी हमारे आए। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे सिर्फ ये है कि जैसे सब लोगों को बीमा योजना के साथ सामूहिक बीमा योजना दिया जाता है, तो पत्रकारों को सामूहिक बीमा योजना नहीं मिलता, हम लोगों को नहीं मिला। चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी हमारे मान्यता प्राप्त रिपोर्टर हैं उनके लिए तो चिकित्सीय सुविधा है, अन्य जो मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है उनका भी जीवन है, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो सब लोगों के लिए ये आवाज़ उठानी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इनके साथ कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, या यही शिकार हो जाते हैं कोरोना के, यही इन्हीं का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, इन्हीं का परिवार संकट में आ जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की बात करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये सब लोगों के साथ आह्वान करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि हम लोगों की समस्याओं को देखा जाए। और जैसे सब लोगों की रक्षा आप कर रहे हो, जैसे सब लोगों के साथ आप मदद के लिए आपके हाथ खड़े हैं, वैसे हम लोगों के लिए भी जो है हम लोगों के लिए भी आप सहारा बनो, यही पत्रकारों की मांग है और यही अपनी बात है। भैया, क्या किया गया आज और क्या आप लोगों का उद्देश्य रहा? ये पत्रकारों ने जो है मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है, जिसमें पत्रकारों ने अपनी मांगे रखी है कि पत्रकारों का सामूहिक बीमा किया जाए व उनको जो है कुछ शासकीय सहायता दी जाए, क्योंकि पत्रकार भी कोरोना जैसी महामारी में एक वैरियस का काम कर रहे हैं।